बजा रहे हैं, आप आरएसएस प्रचार कर रहे हैं और आपकी लगभग 30 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है, जिनमें से 14-15 के लगभग इतिहास विषय से संबंधित पुस्तकें हैं। मैं आदरणीय विजय कुमार साहब से निवेदन कर रहा हूँ, करता हूँ तो पधारें और अपने विचार रखता हूँ। सम्मानित मंच, संस्थान के कार्यकर्तागण एवं उपस्थित नागरिकगण, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मैं जिस धरती पर खड़ा हूं वो बलिदानियों की धरती है, जिन्होंने जीवन में अपने स्वार्थ के बजाय अपने राष्ट्र की भक्ति को संपूर्ण महत्व दिया। उसके लिए सर्वस्व अर्पण किया। ऐसे बप्पा रावत महाराणा कुंभा, महाराणा संगा, महाराणा प्रताप, महाराणा राज सिंह, जिन्होंने विदेशियों से संघर्ष कर भारतीय अस्मिता को बनाए रखने का पूरा प्रयत्न किया। मैं एक इतिहास का विद्यार्थी हूं, इतिहास लिखने का प्रयत्न करता हूं। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि आजादी के इतने वर्ष बाद भी सोचा था कि देश की विभूतियों का चरित्र पढ़ने को मिलेगा, राष्ट्र के लिए बलिदान जो हुए उनका चरित्र पढ़ने को मिलेगा, हिंदुस्तान ये भारत और भारत में रहने वाला यह हिंदू समाज इतने वर्ष आपत्तियों के संघर्ष करने के बावजूद भी आज भी टिका हुआ है। हम सब इस बात को जानते हैं कि संपूर्ण दुनिया को इस्लाम के अंतर्गत लाने का जो अभियान चला, बड़े बड़े राष्ट्र धराशायी हो गए, बड़े बड़े सभ्यताएं धराशायी हो गई, लेकिन उसके उपरांत भी हम हिंदू भारत यह आज भी बड़े गौरव के साथ में खड़ा है दुनिया के सामने, अपनी संस्कृति को, अपने अस्तित्व को बनाकर रखा हुआ खड़ा है। यह असामान्य बात है, यह सामान्य बात नहीं, हमारे जीवन का प्रतीक। इसलिए हमें विचार करना पड़ेगा कि वो कौन सी चीज है जिसने हमको ये प्रेरणा दी है, जीवन दिया है, शक्ति दी, ये सामर्थ्य दिया कि हम आज भी दुनिया में मस्तक ऊंचा करके खड़े। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं वो इतिहास लिखूंगा जिसको लोगों ने अंधकार का इतिहास कहकर के एक तरफ डाल दिया कि ये इतिहास ही नहीं, इसका मिलता ही नहीं, उपलब्ध नहीं है, साधन ही नहीं है, मुझे वो इतिहास लिखना। और इसलिए मैंने तय किया था कि 467 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास है उसको लिखूंगा, क्रमबद्ध लिखूंगा, लगातार लिखूंगा, उसके लिए जितना समय लगेगा, जितनी खोज करनी पड़ेगी वो करूंगा।
और इसलिए मैंने लेकिन मेरे सुपुत्र उनका बहुत आग्रह था कि आप मेवाड़ में रहके आए हैं, संघ का काम किया है, बनवासी क्षेत्र में काम किया है, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है, तो आपको तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के विषय में लिखना चाहिए और सबसे पहले पुस्तक हिंदू वालों के महाराणा प्रताप में लिखा। और मैंने स्पष्ट कहा है उसके अंदर कि महाराणा प्रताप एक बार भी किसी से पराजित नहीं हुए। ये हल्दी घाटी में पराजित की बात लिखते हैं, बराबर आग हो इसकी बात कितने गलत बात है। स्वयं मुस्लिम इतिहासकार जो उस युद्ध के मैदान में था वो लिखता है कि रात भर हम खेमों में परेशान रहे कि कैसे जान बचा के यहां से निकले। वो लिखता है कि मानसिक ऊंची ऊंची दीवारें बना करके गुंडों के गोकुलता में पड़ा रहा, एक एक करके बड़ी मुश्किल से निकल करके अकबर के दरबार तक पहुंच पाए। क्या मतलब है इसका? यदि महाराणा प्रताप जीते नहीं होते तो उनकी यह पोजीशन कैसे होती? इसलिए उस किताब में मैंने इन मुस्लिम इतिहासकारों के लिखे हुए को ही देखकर मैंने सिद्ध किया है कि महाराणा प्रताप जीते हल्दी घाटी के युद्ध में और जीवन में कभी पराजित नहीं हुए। महाराणा प्रताप अकबर को ही पराजित होकर भागना पड़ा। मेरा ये प्रसंग अभी नहीं है चलता था, लेकिन मैं आपको ये भूमिका देना चाहता हूं और इसलिए दूसरी एक और बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। मेरे मन में बड़ा दर्द है इस बात का कि आजादी के बाद में जो देश में इतिहास लिखा गया और जो पढ़ाया गया कक्षाओं में विद्यार्थियों के सामने वो कैसा इतिहास है? भारत के संघर्ष का इतिहास, भारत के आजादी का इतिहास, क्या कांग्रेस के आंदोलन से देश को आजादी मिली? अरे वो कौन लोग थे जिनके कारण से अंग्रेज अधिकारी रात को सो नहीं पाते थे? बार बार बोलते थे कि क्रांतिकारी आंदोलन या गोली तो नहीं मारेगा। ये उनका परिणाम था। भय भी न हो न प्रीति गुजारी, ये भयभीत था अंग्रेज। उस भयभीत के कारण से उसको जाना पड़ा। ये सत्याग्रह आंदोलन से नहीं गया अंग्रेज छोड़कर के युद्ध को। वो सुभाष था जिसने विद्रोह का उत्पन्न किया। सेना में जो खलबली मची उस खलबली का परिणाम था। उसका एक उदाहरण मिला बंबई में देवी का विद्रोह हुआ, जल सेना का विद्रोह हुआ। इन विद्रोहों के परिणाम स्वरूप अंग्रेज को जाना पड़ा। मैं इस विषय को आगे नहीं देना चाहता, मैं अपने मूल विषय पर जो मुझे दिया गया है। मुस्लिम स्टूडेंट अब्दुल कादर बधाई ने ये बात की महाराणा प्रताप के लिए हल्दी घाटी के लिए लिखा है जिसने सारा है हल्दी घाटी का जंग का इसका हमारी फौजें हारी लिखेंगे और दीवारें खड़ी कर दी और रात भर सो नहीं सके। बिल्कुल तो उन क्रांतिकारियों का इतिहास सामने आना चाहिए था, वो इतिहास सामने नहीं आया। ऐसे ऐसे क्रांतिकारी परिवार जो परिवार के परिवार नष्ट हो गए, एक नहीं दो नहीं संख्या लगे परिवार चाबे के बंधु सारा परिवार नष्ट हो गया, सारा परिवार नष्ट हो गया। इस कड़ी में ये तो हमारे पॉपुलर नाम है जो हमने पढ़े हैं, लेकिन बहुत ऐसे परिवार हैं जिनको हम नहीं जानते, जानना चाहिए।
उन्हीं के बलिदानों की नींव पर आज हम सब खड़े हैं। उन पर हमें गौरव होना चाहिए। सर्वानंद से मैं चाहता था आज जो मुझे विषय बताया गया था उस आधार पर मैं चाहता था इस मेवाड़ की धरती के जो क्रांतिकारी पैदा हुए उनके हाथों के सामने आ गए। एक और बात कहूंगा मैं तो दर्द हो सकता है उनको तकलीफ हो सकती है लेकिन ये मेवाड़ ये मालवाड़ ये ढूंढो यहां पर कौन से क्रांतिकारी थे वो सामने नहीं आए। सामने कौन आए जो कांग्रेस के मेंबर थे सदस्य थे उन्होंने क्या किया अपने टैक्स बचाने के लिए अपने राजाओं से संघर्ष किया अंग्रेजों से नहीं आंदोलन किया अपने राजाओं ने बंद किया। अरे ये मेवाड़ की भूमि है मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने इस देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया उस मेवाड़ के विरुद्ध में आंदोलन किए थे आज वो क्रांतिकारी मारा जा रहा है। ये बहुत दर्द की बात है। क्रांतिकारी वो नहीं है क्रांतिकारी वो है जिसने अंग्रेज के मुकाबला किया अंग्रेज की छाती को छलनी किया जिन्होंने वो है क्रांतिकारी उनका इतिहास सामने आना चाहिए। वो मैं समझता हूं मेवाड़ की धरती पर ऐसे बहुत लोग होंगे जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है उनको स्मरण करना चाहिए। मारवाड़ की धरती में पाली जिले में एक स्थान है धानेरा छोटा सा स्थान है जागीरदारों का गांव रजवाड़ा था लेकिन वो गांव में महाराणा प्रताप के साथ था महाराणा प्रताप से जुड़ी था। जब महाराणा प्रताप जंगल में अपनी सेना का एकत्रीकरण कर रहे थे उस अवस्था में भीमपाल के पास था सुंदर है तो सुंदर पर्वत के ऊपर वहां गए थे महाराणा प्रताप और लोग कहते हैं कि उन्होंने घास की रोटी खाई और पत्र लिखा अरे कैसा पत्र लिखा कैसी घास की रोटी खाई। उस समय उन्होंने वहां बावड़ी का निर्माण करवाया उस समय कितनी बड़ी सेना थी महाराणा प्रताप के पास उनके खाने पीने की व्यवस्था कौन पूछा करता था वही तो करते लेकिन खैर तो वहां सुंदा बावड़ी में उनको एक पंडित जी मिले श्रीमाली ब्राह्मण भीम पालकर वो बड़े प्रभावित हुए महाराणा प्रताप अच्छे ज्योतिष के प्रधान पंडित थे वेदों के ज्ञाता थे और महाराणा प्रताप ने कहा आओ घनेराव के ठाकुर को कहकर के वहां उन्होंने मकान दिलाया उस श्रीमाली ब्राह्मण को मकान दिलाया उस श्रीमाली ब्राह्मण वो बड़ा पंडित था जानकार था वेदों का ज्ञाता था शास्त्रों का ज्ञाता था ज्योतिष का बड़ा प्रकार पंडित था आज भी उसके परिवार के लोग वहां रहते हैं। उसी परिवार में एक व्यक्ति पैदा हुआ जिसका नाम था कन्हैयालाल वैदिक वो कन्हैयालाल वैदिक क्योंकि घर में श्री मालिक था घर में ये परंपरागत काम था वो सारा करने के बाद क्योंकि उसको ससुराल के लोग वो कलकत्ता में व्यवसाय करते थे वो भी कलकत्ता पहुंच गए और कलकत्ता पहुंचने के बाद वहां पर वो अनुशीलन समिति के संपर्क में आए। मैं कुछ लिख करके लाया हूं आगे की बात मैं आपको पढ़ करके सुनाना चाहता हूं। पाली जिले के गोरवार क्षेत्र में घनेरा स्वतंत्रता को जागीरदारी काम था वहां एक वैदिक ब्राह्मण परिवार के श्री तुनालाल जी श्री मालिक ज्योतिष के बड़े प्रकांड पंडित में ज्ञाता थे। इनके पूर्वजों के समय से ही इनके पास घनेराव नानो दादाई चाणो भगवानपुरा आदि गांवों में जागीर की ओर से पर्याप्त कृषि भूमि एवं बेरे मिले हुए थे। दूर दूर तक इनके ज्योतिषी ज्ञान की धूप थी शास्त्रों के ज्ञाता एवं श्रीमाली परिवार होने के कारण परिवार में भारतीय संस्कृति के संस्कार जन्मजात थे। ये संस्कार इन्हें विरासत में मिले थे। इनके पूर्वजों को घनेराव का मकान महाराणा प्रताप से प्राप्त हुआ था।
ऐसे संस्कारी परिवार में पाली जिले के प्रथम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी श्री कन्हैयालाल वैदिक का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा में ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर आप अपने भाग्य को परखने समझने के लिए कलकत्ता प्रस्थान किया। ऐसा लगता है कि इनके ज्योतिष ने ही इन्हें बंगाल की ओर जाने के लिए प्रेरित किया होगा। कलकत्ता से वे पूर्वी बंगाल के प्रसिद्ध नगर ढाका चले गए। अनुशीलन समिति स्थापित हुई थी कलकत्ता में और उसकी एक ब्रांच ढाका में भी शुरू हुई थी। ये वह समय था जब संपूर्ण बंगाल अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न था। मैं श्री अरविंद के छोटे भाई श्री वालेंद्र घोष, स्वामी विवेकानंद के छोटे भाई श्री भूपेंद्र दत्त ने कलकत्ता में अनुशीलन समिति जैसे क्रांतिकारी दल की स्थापना की। लगभग उसी समय ढाका में मित्रा और पुलिन दास ने अनुशीलन समिति की एक शाखा प्रारंभ की थी जिसकी 500 से अधिक शाखाएं थी। 1905 ईस्वी में अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन करने से सारे बंगाल ही नहीं देश भर में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध आग भड़क उठी। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को उन्हें समाप्त करना पड़ा। 1919-1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश में असहयोग आंदोलन चला। एक वर्ष में आजादी दिला दूंगा के महत्वाकांक्षी महात्मा गांधी की घोषणा ने देश की सारी शक्तियों को एक कर दिया। फिर भी परिणाम शून्य रहा। हम सब इसको डिटेल नहीं करना चाहते, सब जानते हैं कि चोरापोरी कांड के कारण से उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया। निराशा हो फिर भी परिणाम शून्य रहा, देश में निराशा वातावरण बन गया। ऐसे देश में नव उत्साहित किया। महाराष्ट्र पंजाब में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के हिंद हराम कर दी। ऐसे समय पूर्वी बंगाल के जनताओं में श्री सूर्य सेन जिन्हें मास्टर दा कहते थे ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी नाम से क्रांतिकारी संगठन बनाया। ढाका के अनुशीलन समिति का अधिकांश सदस्य श्री सूर्य सेन की आर्मी के सदस्य बन गए। इन्हीं सदस्यों में एक हमारे घनराव के श्री कन्हैयालाल भी थे। श्री सूर्य सेन की आर्मी में निश्चित रूप से सैनिक प्रशिक्षण होता था। श्री सूर्य सेन एवं इनके सदस्यों ने चटगांव बंदरगाह पर वहां के युवक एवं युवतियों के साथ लेकर विद्रोह करने का प्रयत्न किया। श्री सूर्य सेन ने यह घोषणा की थी कि हमें शीघ्र ही एक सेना तैयार करनी है तथा उन्हें शत्रुओं के लिए अंग्रेजी छावनियों पर आक्रमण कर शस्त्र व गोला बारूद लूटना होगा। उन्होंने इस दृष्टि से चटगांव हेमंत सिंह बारीसाल के शस्त्रागारों पर एक ही समय एक साथ हमला करने की योजना बनाई। स्थानीय कॉलेज और विद्यालयों में संख्या में लोगों को अपने साथ जोड़ा। 400 आक्रमण किए गए। भारतीय सेना की वर्दी पहनकर आक्रमण कर यानी सामान्य वेश में नहीं गए। भारतीय सेना जो वेश विषयों को पहचान नहीं सके। वंदे मातरम पर इनकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच सूर्य सेन ने तिरंगा फहराया तथा काम चलाओ क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा की जिसके राष्ट्रपति सूर्य सेन थे। बहुत विचित्र स्थिति आप देखिए, सत्ताधारों को लूटना, उनके सारे शस्त्र इकट्ठे करके अपने वहां पर सेना बना लेना, राज्य बना लेना, राज्य स्थापित कर लेना सामान्य बात नहीं थी। वो जानता था कहां इतनी बड़ी अंग्रेज सरकार का हमने छोटा था, फिर भी उसने किया। परंतु यह लंबे समय तक चल नहीं सका और अंग्रेज सरकार ने इस पर काबू कर लिया। सूर्य सेन को एवं अनेक प्रमुखों को 1934 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई। चटगांव के क्रांतिकारी कार्यों में श्री कन्हैयालाल वेदी का कार्य क्या था? कन्हैयालाल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जैसे कि जानकारी होती है, इनका प्रमुख कार्य सरकारी शस्त्रागारों से लूटे हुए शस्त्रों को अलग अलग केंद्रों तक पहुंचाना था। अरे शस्त्रों को पहुंचाने का महत्वपूर्ण काम प्रमुख था। ये थे इनकी एक टोली थी। ये दिखने में बंगाली नहीं दिखते थे, ये पंडित थे। धोती पहनते थे, सामान्य कुर्ता पहनते थे, तिलक लगाते थे, इसलिए किसी को संदेह नहीं होता था कि ये क्रांतिकारी हो गया, कोई बंगाली है या कोई घर ऐसा। इस कारण से वो उनका वेश बड़ा इस प्रकार का था, ये दिखने में बंगाली नहीं दिखते थे। अतः इन पर एक लंबे समय तक ये अंग्रेज जन सरकार के गुप्तचरों से छुपते रहे। लगभग 7-8 वर्ष तक ये निरंतर ये कार्य करते रहे। परंतु एक विश्वासघाती के कारण अपने साथियों पकड़े गए, उन्हें छूट की
जेल में नजरबंद कर दिया गया। इन्हें कारावास के दौरान अमानवीय यातनाएं दी गई। इस कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया। इन्होंने जेल अधिकारियों को समझाने का प्रयास किया कि मैं तो ज्योतिषी हूँ, संभव है अपनी बात को पक्की करने के लिए इनका प्रयोग किया। यानी ज्योतिषियों को जब कुंडलियां देखी जाते रहते, कुंडलियां देखनी शुरू कर दी, तो जेल अधिकारियों को लगा कि वास्तव में तो ज्योतिषी है, तो जबरदस्ती पकड़ा गया है। जिसे इन्हें विश्वास हो गया कि वास्तव में तो ज्योतिषी है, इन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने मुक्त नहीं किया, जेल के अधिकारियों ने मुक्त कर दिया। स्वास्थ्य की गिरावट के कारण इन्हें घनराव आना पड़ा। घनराव आने के बाद भी इनका संपर्क अपने साथियों से बराबर बना रहा। राजस्थान के पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अंग्रेज सरकार लगातार इनके पीछे औवा ठाकुर, क्रांतिकारी जी, विजय सिंह पथिक और माणिकलाल वर्मा, ये सब भूमिगत अवस्था में कन्यालाल जी के साथ जाकर के रहे और घनराव। कहते हैं श्री रामनाथ चौधरी ने प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को भी 4-5 दिनों के लिए इनके पास रखा था। ये गतिविधियां आगे कब तक छुपती, पुलिस की नजर में आई है। बंगाल के पुलिस ने तलाश कर रही थी और जोधपुर से ऑर्डर लेकर के जोधपुर जाने का, और ये घर पे इनका छापा मारा गया। बहुत सारे कागजात को जब्त की गई, बरामद हुई। 1940 से कन्यालाल जी व उनके छोटे स्वतंत्रता सेनानी महेंद्र जी, उनके छोटे भाई महेंद्र जी को गिरफ्तार कर नांदोल में नजरबंद कर दिया गया, तथा इनकी संपूर्ण संपत्ति जो घनराव के ठिकाने जब्त कर ली। देश की आजादी के बाद ही जेल से मुक्त हुए। इन्होंने अपने आप को राजनीति से अलग कर लिया, क्योंकि राजनीति वो नहीं थी जो राजनीति ये चाहते थे। आजादी के बाद की बात है। 1973 में स्वतंत्रता सेनानी श्री कन्हैयालाल बेदी का शुरुआत हो गया। धन्य है घनराव का ये सीमाली बेदी परिवार, जिन्होंने अनेक पीढ़ियों से देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदानों की श्रृंखला खड़ी कर दी। आज भी इनके परिवार का मुखिया राधा किशन साथी समाज सेवा के कार्य में जुटे हुए हैं। ऐसे परिवार को मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने आप की धन्यता का अनुभव करता हूँ। तो बड़ी कठिनाई से ये एक पात्र मुझे मिला। मुझे लगता था पाली जिले में केवल औवा ठाकुर ही है, लेकिन ये परिवार जो वर्षों से मेरे संपर्क में था, लेकिन इनके बारे में इतनी सारी चीजें ये मुझे जानकारी नहीं थी। ये जानकारी मुझे अभी 2 दिन पहले ही, तो मैंने उसको लिखना चाहता, तो लिख करके आपके सामने मैंने प्रकट किया है। मेरा निवेदन आप सब लोगों से है कि ऐसे करप्टर बहुत होंगे देश में, अपने अपने क्षेत्र में भी बहुत होंगे, लेकिन वो जानकारी में नहीं है, हमें पता नहीं है, वो भी बताते नहीं। कोई भी व्यक्ति जो क्रांतिकारी था, अपने बारे में खुल के लोगों को नहीं कहता मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। तो ऐसे जो लोग हैं, उन लोगों से संपर्क स्थापित कर उनकी जानकारी करके हमें समाज के सामने लाना चाहिए, ये मेरा निवेदन है। मैं आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, मुझे प्रसन्नता है। वैसे भी उदयपुर आने में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, क्योंकि मेरा कार्यक्षेत्र रहा है बच्चों तक, और इसलिए मैं आवेदकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन हो तो द पॉइंट बिंदु को लेकर के इसके आयोजन किया जाए और इसकी चर्चा की जाए, तो बहुत अच्छा लगेगा। संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, ये किताब निगाह डाली मैंने तो अच्छा लगा मुझे कि वास्तव में, लेकिन उसमें उस विषय को ध्यान में, मेरा निवेदन है, बाकी आपकी मर्जी है जो करना, उस बात को ध्यान में रख करके कि केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने आंदोलन किया वही क्रांतिकारी नहीं थे, वस्तुतः जो क्रांतिकारी थे उनको सामने लाने का प्रयत्न हम सबको करना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
गोदन से को प्रभावित किया और छुपे हुए जानकारी के बारे में जानकारी, और जिस प्रकार आपने बताया कि ऐसे बहुत से कंप्यूटर ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं, बाहर नहीं है, उनके बारे में जानकारी एकत्र करना सभी का कर्म है, फर्ज है। तो इस प्रकार शायद